सामा मंच मौजूद है। सामा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, हम सबके लिए मुबारकबाद है कि 37 पे दो आउट होना, उसके बाद 345 का चेस करना है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कल पाकिस्तान ने इनिंग्स खेली और काफी रिकॉर्ड टूटे इसमें, 4 सेंचुरियां भी हुई इस कल मैच में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि एनालिस्ट कहते हैं सारे, नेवर राइट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम को जब आप सोचेंगे ना कि ये टीम अब जीतेगी, तब ये मुश्किल में डाल देते हैं हमें। जब हमें लगता है कि अब इनका कोई चांस नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है, तब ये टीम खेलती है, सामने आती है। अब्दुल्ला शफीक की इनिंग हो, मोहम्मद रिजवान की हो, जितनी तारीफें करनी चाहिए कम है। मुझे पर्सनली नहीं लग रहा था ये कल ये मैच जीतेंगे, क्योंकि इतना बड़ा चेज है हुआ नहीं है। 275 या 276 से ज्यादा हमने वर्ल्ड कप में कभी चेज नहीं किया हुआ, तो उससे ज्यादा रन 350 ऑलमोस्ट 345 का टारगेट चेज करना जो था, ये बड़ा मुश्किल था। रन रेट को जिस तरह ये बॉयज साथ लेके चले हैं, और विकेट, जैसे कि आपने कहा कि दो अर्ली विकेट्स के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने टीम पे मैच पे अपनी गिरफ्त बना के रखी, कहीं भी मैच को इन्होंने अपनी वो जो है उससे निकलने नहीं दिया, मतलब इनकी रेंज में था वो टारगेट, तो बड़ी अच्छी बात है। और आगे क्योंकि मैच अब इंडिया से है, तो कॉन्फिडेंस जो है बॉयज का वो अच्छा, काफी अच्छा। हम देख रहे हैं कि बाबर अभी तक कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन 345 का चेस करना, उसके बाद क्या उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे एज अ कैप्टन? एज अ कैप्टन बाबर को बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए, उनका अपना कॉन्फिडेंस जो है उस इनिंग से इंप्रूव होगा। लेकिन ये भी क्रिकेट है, दूसरी टीम भी खेलने आई होती है, आई एम श्योर हर टीम, क्योंकि वो हमारे स्टार बैट्समैन है, तो हर टीम ने बाबर के खिलाफ तो एक प्लान बनाया होगा। अब वो प्लान ए भी होगा, प्लान बी भी होगा, प्लान सी भी होगा, क्योंकि कोई एक प्लान तो काम करेगा, तो लग रहा है कि टीम्स के बाबर के खिलाफ जो प्लान्स हैं वो काम कर रहे हैं। खैर, कल भी जो वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आई थिंक लूज कर गए थे, वो कल जिस शॉट पे आउट हुए हैं, बाबर वो शॉट मारते नहीं है, वो फ्लिक किया उन्होंने लेग साइड पे, फेंटिस था हल्का सा वो एज हुआ, लेकिन बाबर को, बाबर जिस कैलिबर का, जिस लेवल का प्लेयर है, एक बड़ी इनिंग बाबर को चाहिए और उसके बाद ये नहीं रुकेंगे फिर। तो उसामा, जो आप देखा हमने कि रिप्लेस किया गया फखर को अब्दुल्ला से, तो ये अब अच्छा साबित हो गया ना? ये वक्त की जरूरत थी, ये बहुत जरूरी था, नीड ऑफ द आवर जैसे आप कहते हैं, और फखर क्योंकि चल नहीं रहे थे, प्रेशर टीम मैनेजमेंट पे बहुत था, सोशल मीडिया पर बहुत शोर हो रहा था कि कब तक आप चांस देंगे फखर को, और क्योंकि अब्दुल्ला जैसा बैट्समैन आपके पास था डगआउट में, बेंच पे, बेंच स्ट्रेंथ जो है ना जी, वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। टीमें हमेशा वही कामयाब होंगी जिनके पास बेंच पे अच्छे प्लेयर्स होंगे, तो कल हमने देखा कि फखर को उन्होंने ड्रॉप किया, अब्दुल्ला शफीक को लेके आए, और मेरा नहीं ख्याल अब्दुल्ला शफीक अब कहीं जाने वाले हैं। इसका प्रेशर भी तो बाबर पे कहीं ना कहीं जा रहा था ना, क्योंकि बाबर अपनी मर्जी की टीम लेके गए, और डेफिनेटली जब टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो उसके जिम्मेदार भी तो कहीं ना कहीं उन पर आएगा। बिल्कुल जा रहा है बाबर पे इसका प्रेशर, बाबर और ज्यादा प्रेशर में होंगे, और अब थोड़ा सा प्रेशर शादाब की वजह से भी उन पर जा रहा है। शादाब को हर चौके पे वो फील जो है चौका, वो बाबर को भी होता होगा, क्योंकि डिसीजन बाबर का है उनको खिलाने का। बिल्कुल अच्छा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफी की बात अगर देखें तो जिस तरह इरफान पठान साबिक खिलाड़ी हैं भारत के, वो ये बात कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफी की तारीफ जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि उस पर वर्ल्ड कप का बहुत ज़्यादा दबाव था जिसे बड़ी आसानी से उसने टैकल कर लिया। अच्छा उसामा, मेरा सवाल आपसे ये है कि टॉप ऑर्डर की बात अभी हम कर रहे थे, टॉप ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा, हमने नीदरलैंड में आपकी गहरी नजर है, नीदरलैंड के मैच में देखा हमने कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर तब भी बिल्कुल फ्लॉप हुआ, तीनों खिलाड़ी पवेलियन चले गए बहुत जल्दी। इस मैच में भी हमने देखा कि टॉप ऑर्डर हमारा नहीं चलता, नीचे से खिलाड़ी आते हैं मिडल ऑर्डर के और वो आके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑर्डर में तब्दीली करनी चाहिए या ऊपर के ऑर्डर को कहना चाहिए भाई आपका काम है, आपने स्कोर करना आता है, अच्छा स्टार्ट देना आपने? ये आपने ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा मेरे से सवाल किया है, ऑर्डर में चेंज करना अब थोड़ा सा आई थिंक जरूरत नहीं है उसकी, वो इसलिए क्योंकि अब आप ले आए हैं ऑर्डर में, आपने मेन चेंज कर दिया, अब अब्दुल्ला शफीक को ले आए हैं। बात ये हो रही थी कि अब्दुल्ला शफीक को आप लाए हैं, लेकिन क्या आप उनको ओपनर खिलाएंगे या उनको रिजवान की जगह खिलाएंगे, और रिजवान कौन से ओपन करवा देंगे? लेकिन कल की परफॉर्मेंस के बाद मेरा नहीं ख्याल अब ऑर्डर चेंज करने की इनको जरूरत है, अगर चेंज करने की कुछ जरूरत है तो वो एक आधा बॉलर चेंज करने की जरूरत है, शादाब की रिप्लेसमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऑर्डर अब इनको आई थिंक यही रखना चाहिए, क्योंकि अगला इंडिया का मैच है, वो आपको चांस कम देंगे। लेकिन उसमें इमाम के हवाले से, क्योंकि इमाम पे भी तो प्रेशर है ना, इमाम भी अंडर रडार हैं कि उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है, इमाम की भी जैसे मैंने बात की थी कि इमाम को भी ना, इमाम जो हुक मारने, पुल शॉट मारने जाते हैं, वो उनकी कोई उनका स्ट्रांग, वो उनका फोर्टे नहीं है, वो उनकी स्ट्रांग शॉट नहीं है, इमाम खेलते हैं रोलिंग शॉट्स खेलते हैं, जमीनी शॉट, जमीन पे वो मारते हैं, और दोनों मैचेस में इमाम ने शॉर्ट बॉल पे अपनी विकेट दी है, कल भी शॉर्ट बॉल पे नेदरलैंड्स के खिलाफ भी, तो लग ये रहा है कि टीम्स को पता है कि इमाम को अगर हमने आउट करना है या उनको पकड़ना है तो शॉर्ट डिलीवरी पे उनको पकड़ना। अच्छा, ये इंडियन क्रिकेटर्स की जानिब से कहा गया कि जो पाकिस्तानी है वो स्पिन बॉल्स हैं वो बड़े अच्छा खेल सकते हैं, उनको ये लगता है, लेकिन जो आगे जाके अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच है वो जिस ग्राउंड में होने जा रहे हैं वहाँ पे स्पिनर्स बड़े अच्छे चलते हैं, और अफगानिस्तान तो वैसे ही स्पिनर्स के हवाले से बड़ा फेमस है। हाँ जी, अफगानिस्तान, आर वी रेडी फॉर दैट, और हमारे पास ऐसे बॉलिंग क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? 100% वी आर रेडी फॉर अफगानिस्तान मैच, और अफगानिस्तान ने तो बड़ी स्टेटमेंट्स भी दी हुई है, उन्होंने कहा ये इंडिया हमारा घर है और हमारा होम ग्राउंड है, हालांकि क्रिकेट उन्होंने सारी उम्र पाकिस्तान में खेली है, तो हम उस चैलेंज के लिए जी 100% तैयार हैं, प्लेयर्स हमारे रेडी हैं, अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा स्पिन को खेल रहे हैं, कल भी आपने देखा रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं,
बाबर भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन को जरा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी है। हम स्ट्रगल के बारे में भी बात करेंगे। एक खबर है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हदफ जो है वो मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 345 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में पूरा किया। अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए जबकि मोहम्मद रिजवान 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 345 रन के हदफ का कामयाबी से ताकुब वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा रन चेज है। इससे कबल पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर 336 रन भारत ने बनाया था। भारत ने 2019 में मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप टोटल किया था। 2011 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 329 रन का हदफ कामयाबी से हासिल किया था। 1992 की बात की जाए तो उसके वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 263 का हदफ अबूर किया था। और साथ ही साथ ये ग्राउंड स्टाफ के साथ टीम का प्यार, फिर हमारे कैप्टन की जानिब से शर्ट गिफ्ट करना है, बड़ा प्यारा जेस्चर है, बड़ा जबरदस्त है जी। जिस तरह कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही थी लेकिन बड़ा अच्छा लगा कल ये देख के, क्रिक इन्फो ने भी ये लिखा हुआ है जीते जीते पाकिस्तान के नारे वहां पर लगे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान के, बाबर आजम फिर भी लोग। हाँ जी, कल हमने देखा है कि अभी तक इस मैच में सबसे ज्यादा अटेंडेंस कल थी हैदराबाद में, तो कौमी टीम का जो 10-12-13 तो इस वक्त जो है भारत में जीवे जीवे पाकिस्तान चल रहा है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीते। अच्छा उसामा, एक और सवाल है, शायद अफरीदी ने कल ट्वीट किया था कि बॉलिंग में बेहतरी की जरूरत है। बाबर आजम ने भी जब बाद में आफ्टर मैच बात की तो उन्होंने कहा था कि हमें अभी बॉलिंग जो है अभी काफी बेहतर करनी है, तो कहाँ पर लैक कर रहे हैं हम लोग? आई थिंक जब हम वर्ल्ड कप में जा रहे थे ना, या वर्ल्ड कप में जाने से भी 2 महीने पहले, मैं थोड़ा सा जाऊँगा, पाकिस्तान के जो पेस अटैक है ना वो दुनिया का बेस्ट पेस अटैक कहा जा रहा था। जो 3 फ्रंट लाइन बॉलर्स थे हमारे, वो ऐसे बॉलर्स थे कि किसी भी बड़ी बैटिंग लाइन के खिलाफ वो बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग ऑप्शन थे। अनफॉर्चुनेटली नसीम हो गए इंजर्ड, फिर एशिया कप में हम 2 मैचेस हार गए, फिर वर्ल्ड कप में हमने वार्म अप मैचेस में परफॉर्म नहीं किया। कल के मैच में भी जो वीक लिंक लगा वो शाहीन आफरीदी लगे। देखें जी, शाहीन ने अपनी रेपुटेशन खुद बना ली हुई है फर्स्ट ओवर विकेट्स की। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि शाहीन जाएगा ऊपर से विकेट लेगा और जो मैजिक बॉल की शाहीन की वो बॉल जो अंदर आती है वो देखने में नहीं मिल रही। शाहीन में वो एनर्जी, वो रिदम, वो फिटनेस लेवल लग नहीं रहा जिससे वो बॉलिंग करते हैं। तो एक तो फास्ट बॉलिंग में हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, दूसरा स्पिनर्स हमारे जो हैं वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस उसकी काफी जिक्र हुआ थोड़ा सा वीक है। मजीद बेहतरी आ सकती है, मे बी उसामा मीर इन प्लेस ऑफ शादाब और नवाज, एक आधे चेंज से ये शायद बेहतर हो जाए। मगर जो मेरे लिए कंसर्निंग पॉइंट है ना वो शाहीन की बॉलिंग कराना है। इंडिया के मैच में, बड़े मैच में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ शाहीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, 2 मैचेस हम जीत चुके हैं, विनिंग मोमेंटम के साथ हम जा रहे हैं, कितना एडवांटेज होगा इंडिया के साथ मैच? बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, जिसको आप सिंपल वर्ड में जमीन आसमान का फर्क कहते हैं, आई थिंक वो होगा। अगर आप ये मैच हार के खेल रहे होते हैं इंडिया से तो कॉन्फिडेंस लेवल और होता। अब अगर इंडिया ने भी हमारे साथ पहले खेल के बड़ा स्कोर बना लिया तो कम अज कम लड़कों को ये पता है कि हम 350 चेज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है अगर आप इस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में जाएं कि 350 भी पड़ गया तो खैर है, हम चेज करेंगे। तो कल के मैच ने जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा बूस्ट कर दिया है। अच्छा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करना है, वो ये करना है कि अभी खबर कुछ देर पहले हमने नाज़रीन से खबर शेयर की कि ज़का अशरफ साहब भारत जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मोरल अप करने जा रहे हैं, जो भी इसके पीछे मंतक है वो एक अलग बहस है। लेकिन अभी तक वीजे जारी नहीं किए गए साफियों को, शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर मायूस हैं। फिर हमने देखा ज़ैनब वाला जो वाकया हुआ और उसके बाद लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया, तो आपके ख्याल से ये उनको अभी इतनी जल्दी है जाना चाहिए वहाँ पे इस तरह से? देखिए जी, अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो यही है कि वो इस वीज़ों का मामला उन्होंने उठा लिया, यहाँ पे पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई कर दिया है, पासपोर्ट्स अपने जमा करवा दिए हैं जर्नलिस्ट ने, उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई है तो ज़का अशरफ जा रहे हैं। मेरा अपना ओपिनियन ये है, इनको कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है वहाँ से। अच्छा, कि आपके जर्नलिस्ट जो है उनको हम वीजा दे देंगे, शायद फैंस को भी वीजा दे दें, उस डेवलपमेंट के बाद ये वहाँ पे इंडिया जा रहे हैं, यानी कि उस श्योरिटी के बाद जा रहे हैं। अभी तक वैसे दिए नहीं गए लेकिन अभी कहा गया है ग्रीन सिग्नल है। ये बैकडोर डिप्लोमेसीज होती है, खबरें थोड़ी सी बाद में आती है, लेकिन क्रिकेट फ्रेटर्निटी में जो इस टाइम खबर डिस्कस हो रही है वो यही है कि इनको किसी किस्म की अश्योरेंसेज आई थिंक मिल चुकी हैं। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो या ना हो, आपने देखा होगा एशिया कप जो हमने होस्ट करना था, हमने इंडियंस, उनके जो बीसीसीआई के हेड है उनको हमने यहाँ पे बुलाया, राजीव शुक्ला जो है वो भी यहाँ आए, उन्होंने कदाफी स्टेडियम में मैच देखा, गवर्नर हाउस में उन्होंने रात को खाना खाया। आई थिंक उसी की कंटिन्यूएशन है कि जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करते हैं तो आप टीम्स के या क्रिकेट बोर्ड्स के जो हेड्स हैं आप उनको इनवाइट करते हैं, तो ये आई थिंक एक फॉर्मल इनविटेशन। अच्छा, ज़ैनब अब्बास भी तो इंडिया में नहीं है, उनको दुबई भेज दिया गया, तो इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है? नहीं जी, ज़ैनब अब्बास वाला जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था ये एक डिफरेंट स्टोरी है। ज़ैनब अब्बास वाला मामला थोड़ा सा डिफरेंट था। ज़ैनब अब्बास की तो ट्वीट भी उन्होंने जो निकाल के जिसपे केस किया, तब वो एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर भी नहीं थी, वो उनका अकाउंट भी अब नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल पुराना अकाउंट था जिससे उन्होंने किया, अब उनका प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो डिफरेंट था।
मेरा ख्याल है ज़ाकिर अशरफ साहब को फॉर्मली इनवाइट किया गया है बीसीसीआई की तरफ से कि आप आएँ यहाँ पे मैच देखें, तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है अगर आप किसी का इनविटेशन डायरेक्ट रिजेक्ट कर दें। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में वो ये था कि कल का मैच आपने भी देखा, सबने देखा। हाँ जी, एक प्रॉब्लम जो हमारा ठीक नहीं हो रहा और वो है कि कहते ना कैचेस विन मैचेस। जी बिल्कुल, हम कैच क्यों नहीं पकड़े, हम क्या हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हम अंडर प्रेशर है, मसला कहाँ? और आप देखें जिसने इमाम ने जस्ट मेंडिस का कैच छोड़ा था 122 रन करने के बाद उसी ने कैच दोबारा पकड़ा, फर्क सिर्फ ये है कि 16 रन पे या 12 रन पे कैच छोटा और फिर उसने 122 किए। बड़ी टीम आपको ये मौका नहीं देगी। विराट कोहली का कैच छोड़ दिया था ऑस्ट्रेलियंस ने, ठीक है जी, पड़ा। अगर वो कैच पकड़ लेते तो हो सकता है सिचुएशन और होती। तो आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्रिकेट में कैचेस विन मैचेस टर्म जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और फील्डिंग ड्रिल्स करती है, टीम्स प्रैक्टिस करती है चीज की, और जो पॉइंट पे फील्डिंग करता है ना प्लेयर वो आपका बेस्ट फील्डर होता है। तो हमारे बेस्ट फील्डर हैं शादाब, उसके बाद इमाम, ये पॉइंट पे दोनों लड़ते हैं एक दूसरे से। मतलब एक होता है कि मैंने खड़ा होना है, वो कहता है मैंने पॉइंट पे फील्डिंग करनी है, पॉइंट पे जो फील्डिंग करता है बैकवर्ड पॉइंट। उसामा आपने हमें वक्त दिया, डेफिनेटली आपका एनालिसिस हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित होता है, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। आपकी डिजिटल ट्रांसमिशन बहुत जबरदस्त जा रही है। हाँ जी, डिजिटल ट्रांसमिशन पे हमने अच्छा जोर लगाया हुआ है, और हमारी भी पाकिस्तान टीम को यही मैसेज होता है, ट्रांसमिशन का नाम है चल करके दिखा दे, और पाकिस्तान टीम ने कल करके दिखा दिया।